हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? मैं भी मज़े में हूँ। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पंजाबी स्टाइल में आम का अचार, जो कि काफ़ी पसंद आता है। गर्मियों में कैरी का अचार ना डालें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ आम का अचार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो, अचार देख के मन हो रहा है ना खाने का, तो चलिए डालते हैं इसकी पूरी रेसिपी, देखें फुल एंड तक। ये देखो कि एक लिए मैंने 1 किलो कैरी, इसका ऊपर का पार्ट मैंने कट कर लिया था। ये देखो, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो ऊपर का जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा कट कर लिया था मैंने। इन कैरी को हम साइड में उठा के रख देते हैं। तब तक एक पैन लेते हैं। पैन में हम डालेंगे पीसी हुई पीली सरसों। ये मैंने पीली सरसों लिए पीस ली थी पहले से ही। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा पैन में चला लेंगे लो फ्लेम पे, बिल्कुल ऐसे अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, जिससे काफ़ी डिलीशियस लगता है गाइस। आम का अचार गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस। देखिए ये रोस्ट हो चुकी है, अब उसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रोस्ट करने में, अच्छी सी स्मेल आ रही है धीरे धीरे। वाह, खुशबू आ रही है। देखो इसको एक प्लेट में निकाल लिया। अब डाल देंगे इसमें सौंफ, साबुत सौंफ है ये मेरी। इसको भी अच्छे से थोड़ा 2 मिनट चला लेते हैं। इनको हम ऐसे रोस्ट कर रहे हैं ना, तो हल्का सा फ्लेवर आ रहा है, मस्त अच्छा लगता है रोस्ट किया हुआ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रोस्ट करने में, केवल 2 मिनट में रोस्ट हो जाते हैं सारी चीज़ें। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। चलो इसको भी हम प्लेट में डाल देते हैं। फिर इसके बाद हम रोस्ट करेंगे मेथी दाना। ये मेथी दाना भी थोड़ा सा ले लिया है, इसको भी थोड़ा सा चला लेते हैं। इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है गाइस। अगर ये इसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी मेथी दाने की, तो कड़वाहटपन आ सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा ही लेंगे मेथी दाना, ज़्यादा नहीं लेंगे। ये अच्छे से हिला हिला के रोस्ट कर लिया। ये भी रोस्ट हो चुका है, इसको भी हम प्लेट में डाल देंगे। फिर इसके बाद हम लेंगे जीरा, फिर साबुत धनिया, फिर 1-2 चम्मच काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। इन तीनों को एक साथ रोस्ट कर लेंगे, टाइम भी बचेगा हमारा और अच्छे से रोस्ट भी हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बाकी वीडियोज़ भी देख लें गाइस। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आएंगी। ये देखो अच्छे से ये भी रोस्ट हो रहे हैं, एक साथ ही हमने टाइम बचा लिया, एक साथ डाल दिया उनको रोस्ट करने के लिए। चलो ये भी रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी हम एक प्लेट में डाल देते हैं। ये देखो सारे मसाले हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम कैरी काटना स्टार्ट करते हैं। जब तक ये ठंड हो रहा है तब तक हम कैरी काट लेते हैं, फिर हम मिक्सर में चला लेंगे उन मसालों को जो हमने रोस्ट किया है। ये देखो ऐसे ऐसे काट रही हूँ मैं कैरी। अगर आपके पास ये ऐसी ना हो तो आप नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। अभी ये दिखाऊंगी मैं आपको नाइफ से कैसे कट करने हैं। ये देखो मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। आपको जिस पीस जिस साइज़ का चाहिए उस साइज़ का कट कर सकते हैं आप। ऐसे बीच में से इसकी गुठली उठा दी सारी और ये छोटे छोटे पीस कट कर लिए मैंने ऐसे ऐसे। बहुत ईजीली कट हो जाते हैं ऐसे ऐसे और जल्दी भी कट हो जाते हैं गाइस। अगर आपके पास ऐसिया नहीं है तो मैं आपको नाइफ से भी कैसे कट करते हैं वो भी दिखा देती हूँ। ये देखो नाइफ लिया मैंने, इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखो 2 पीस हो गए, इसकी बीच की जो गुठली थी वो मैंने निकाल दी, ऐसे कट कर लेंगे। इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से नाइफ से भी ईजीली कट जाते हैं। ऐसे ही हम सारे कैरी को कट कर लेंगे छोटी छोटी पीसेस में। देखो ये सारी कैरी मैंने छोटी छोटी पीसेस में कट कर ली है। आपको जिस साइज़ के चाहिए आप उस साइज़ में कट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर की जो ट्रांसपेरेंट कलर का ये होता है ना परत सी, उसको हम निकालते जाएंगे। किसी किसी में होती है, किसी में नहीं होती है, तो ऐसे निकालते जाएंगे सारी में से। देखो इस तरह की ट्रांसपेरेंट कलर की होती है लेयर हल्की सी, इसको निकालते जाएंगे। ये निकालना बहुत ज़रूरी है गाइस, नहीं तो ऐसे मुँह में अड़ती है तो अच्छा नहीं लगता जब अपन अचार खाते हैं तो। ये देखो मैं सारी परत निकाल दी, देखो इस तरह की वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट कलर की रहेगी। हमारा मसाला जो रोस्ट किया ना हमने वो भी ठंडा हो चुका है, अब उसको हम पीस लेते हैं। पीली सरसों को मैंने ऑलरेडी पीस लिया था पहले से ही। पीली सरसों को हम साइड में उठा के रख देंगे, बाकी के जो मसाले हैं ना साबुत जो लिए थे उनको हम पीस लेते हैं।
ज़रा पीसना है, ज़रा बारीक नहीं करना है, एकदम दरदरा पीसेंगे इन सबको। मैंने पहले एक मिक्स कर लेती हूँ जिससे एक साथ पीस लेंगे। देखो अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, अब मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। थोड़ा दरदरा पीसना है, एकदम से पाउडर नहीं बनाना है। पीली सरसों को साइड में उठा कर रख देता है। ये देखो दरदरा पीस लिया मैंने, ये मसाला पाउडर भी रेडी है हमारा, पीली सरसों भी रेडी है और हमारी कैरी भी काट के रेडी हो चुकी है। चलो अब हम अचार डालना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पीली सरसों मसाला और ये आम कैरी, हमारी ये तीनों चीज़ रेडी है। ये कैरी में हम सबसे पहले डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, 2-3 बड़े चम्मच डाल दिया मैंने, अपने स्वाद के अनुसार डालना है। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, ये देखो हल्दी पाउडर भी डाल दिया, 1-2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया। मैं तो सुबह शाम दोनों टाइम अचार तो ज़रूर लेती हूँ। फिर इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के साथ में ही डाल देंगे हम 1 चम्मच तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ये तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर भी मैंने डाल दिया। फिर जो हमने मसाले पीसे थे ना मिक्सर में, उसको भी डाल देते हैं। देखिए सारे डाल दूँगी, इन सबको अच्छे से डालने के बाद मिक्स कर लेंगे अचार। फिर पीली सरसों भी डाल देते हैं जो हमने पीस के रखी हुई थी ऑलरेडी, ये सारे रोस्टेड किए हुए मसाले हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गाइस आपको देख के मुंह में पानी आ रहा होगा ना, इसलिए कह रही हूँ आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही काफ़ी डिलीशियस होता है गाइस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग स्वाद के अनुसार। ये देखो हींग ली मैंने, स्वाद के अनुसार डाल देंगे। फिर अच्छे से इसको दोबारा से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम या तो सूती कपड़े से ढक के रख देंगे, या फिर कोई आपके पास नेट वगैरह हो तो आप उससे ढक सकते हैं। देखो मेरे पास नेट थी तो मैंने नेट से ढक दिया। अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा हो तो आप उससे भी ढक सकते हैं। इसको ढक दिए के रख दिया जिससे हवा पास होती रहे। ये देखो सेकेंड डे आपको खोल के दिखा दूँ, थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे ऐसे 3-4 दिन तक चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली। 3-4 दिन तक ऐसे दिखाती रहूँगी। फिर दोबारा इसको ढक के रख देते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा चला के रखते जाएंगे। सेकंड डे चला रही हूँ मैं, थोड़ा सा ढक के रख दिया। अब मैं थर्ड डे पे दिखाऊंगी आपको। देखो थर्ड डे पे भी हम थोड़ा सा ऐसे चला के रख देते हैं, मसाले अच्छे से चिपक गए हैं। देखो अच्छे से कह रही हूँ, इसको भी हम ढक के रख देते हैं। हल्का सा मिलाने के बाद ढक के रख देते हैं। मेरे पास नेट थी, और आप अगर आपके पास नेट ना हो तो आप कॉटन के कपड़े से ढक सकते हैं। देखो 4 डे पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को मैंने थोड़ा सा गर्म करके रखा हुआ था, अच्छे से गर्म कर लिया था। इसकी सारी स्मेल, सरसों का तेल है ये, इसकी सारी स्मेल जा चुकी है क्योंकि गर्म तेल है ना ये। फिर इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और तीखेपन के लिए थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा रेड कलर का हो जाएगा ऑयल, पंजाबी स्टाइल लगता है एकदम। देखो ये रेड कलर का हो गया ना, उसको हम मिक्स कर देते हैं ऑयल को। अगर ऑयल आपको कम लगे तो थोड़ा सा ऑयल और ले सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो मसाले कितने अच्छे से चिपक गए कैरी के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था गाइस। मसाला भी बहुत अच्छा बना है, वाह। अब इसको हम या तो एक डिब्बे में भर के रख देते हैं, अगर आपके पास कांच का डिब्बा हो तो कांच के डिब्बे में भर दें। मेरे पास प्लास्टिक का था तो मैंने प्लास्टिक के डिब्बे में भर दिया इसको। इसमें अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप और ऑयल गर्म करके वैसे कश्मीरी मिर्च वगैरह डाल के डाल सकते हैं। तो ये देखो आम का अचार हमारा पंजाबी स्टाइल बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले गाइस। अब बाकी वीडियोस भी देख लें मेरी, आई होप आपको पसंद आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो।